राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अमिताभ बच्चन शामिल हुए, मुकेश अंबानी शामिल हुए, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए, पर जो खबर सबसे ज्यादा न्यूज में चल रही है वो ये है कि 2014 तक अमिताभ बच्चन ट्विटर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही एक्टिव रहते थे और विपक्षी पार्टी या देश में क्या चल रहा है उस पे अपनी कमेंट भी करते रहते थे, पर जब से मोदी सरकार आई है तब से उनकी चुप्पी बनी हुई है और ऐसा क्यों हो रहा है ये लोगों का पूछना है। बहुत दिनों से चुपचाप बैठने वाले अमिताभ बच्चन ने इस पे कमेंट करते हुए बोला है कि समय बलवान है। अब इससे वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बात मुझे पता है कि समय किस तरीके से पलटी मारता है ये अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको बता दूं दोस्तों कि एक टाइम पे जब अमिताभ बच्चन का करियर डाउनफॉल पे चल रहा था तब इंदिरा गांधी के एक चिट्ठी से अमिताभ बच्चन की करियर स्टेबल हो गई थी, उन्हें काम मिलने लग गया था। और एक वक्त अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की नजदीकियां इतनी गहरी थी कि राजीव गांधी के बोलने पे अमिताभ बच्चन ने चुनाव तक लड़ा था और सांसद भी बने थे, पर पता नहीं क्यों आज अमिताभ बच्चन चुप्पी बनाए बैठे हैं। और एक वक्त पे जो पेट्रोल और डीजल के दाम पे बढ़ने पे भी ट्वीट कर दिया करते थे वो आज महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।